अभी हम लोग कमान है ना, अभी हम लोग जा रहे हैं कमान पोस्ट, और जनरली टूरिस्ट वगैरह को यहाँ पे इजीली मौका नहीं मिलता जाने का, बट एज वी आर विद द आर्मी तो हम लोग जा रहे हैं, एंड इट्स अ होल न्यू डिफरेंट एक्सपीरियंस. पता नहीं ये बॉर्डर. तो पहले तो इन्होंने बॉर्डर जो है ये पीर बाबा ने इधर से आगे देखेंगे, थोड़ा आगे है, थोड़ा आगे, ज़्यादा नहीं है. लेकिन हम लोग इसी बॉर्डर पर 47 से रह रहे. यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी. वो सारी चीज़ें जो जो हम मतलब अपनी फौज से मांगते गए, गवर्नमेंट से मांगते गए, फिर आस्ता आस्ता वो धीरे 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 आनी शुरू हुई. हेलो, आपका नाम क्या है? आपका? और आप लोग कौन से क्लास में हो? मैं क्लास 4 से. मैं सेठिन से. वाह, आपका नाम क्या है? यास्मीन. तस्मीन. मेरा नाम जोहा है. और आप मतलब ऐसे दिन भर आप क्या नॉर्मल खाना वाना कुछ आप मजे करने के लिए कुछ करते हो? नहीं, बस बैठे हुए हैं. बोर नहीं होते हैं? वैसे होते हैं तो फिर भी साथ में जो हमारे लड़कियाँ उनको बैठ के कुछ गेम वगैरह वो खेल लेते हैं. और कुछ अच्छा लगता है यहाँ पे? आपको आपका कभी मन नहीं करता कि आप भी किसी बड़े शहर में जाओ या ऐसे? करता है, अब जब इतना मौका ही नहीं मिल रहा है तो कैसे. आपका नाम क्या है? नजमा परवीन. मैं कंप्यूटर टीचर हूँ. अच्छा, मैंने बच्ची मिलाई है, मैं वहाँ कंप्यूटर पढ़ाती हूँ. यहाँ आर्मी की तरफ से यहाँ सेंटर खुला है कंप्यूटर का, तो 3 साल से यहाँ पे मतलब ये पहला सेंटर है इस एरिया में आर्मी ने खोला है कंप्यूटर सेंटर, जहाँ से 200 बच्चे जो हैं उन्होंने बेसिक एजुकेशन ली है. तो मैं 3 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ. ये बच्चियाँ जो हैं ये सब सेंटर की हैं. अच्छा, मतलब आपका ये सेंटर है या स्कूल में आप ऐसे पढ़ा रही हैं? सेंटर है, कंप्यूटर का ही है. कंप्यूटर का है. अच्छा, सो आई एम इन उरी राइट नाउ, और इतना अनएक्सपेक्टेड सा कुछ है ना, मैं बता नहीं सकती. आप सबको बताया कि मैं बीटीएस की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं कितनी बड़ी पागल वाली आर्मी हूँ. और मैं यहाँ पे थी, आई जस्ट मेट अ गर्ल, मैंने उससे उसकी ईमेल आईडी मांगी, एंड गेस व्हाट, आर्मी. हम दोनों मिलके ऐसा पागलों जैसे चले, सब डर गए. मतलब ये प्रूव करता है कि आर्मी कितनी क्या बोल सकते हैं, एक्साइटेड होती है बीटीएस को लेके. अपना नाम बताओ. समरीन खान. जोहा खान. समरीन खान. और इसका बायस जिमिन है, बट वैसे OT7 है ना? हाँ, OT7 है वैसे तो. और कैसे पता चला था BTS के बारे में? यहाँ तो नेटवर्क इश्यूज वगैरह भी होते हैं. मेरी एक स्कूल में कज़न जाती थी, मतलब मुझसे बहुत बड़ी हैं, तो अब उन लोगों ने ग्रेजुएशन भी कर लिया. अच्छा, तो मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, यू कैन से मैं फर्स्ट सेकेंड में, मतलब मुझे इतना कुछ नहीं पता था. तो उन्होंने मुझे पहले मतलब मुझे ऐसे सॉन्ग सुनाती थी K-pop से रिलेटेड, बहुत सारे. तो उस टाइम ज़्यादा मुझे नहीं था इतनी नॉलेज BTS वगैरह की. फिर मतलब YouTube पे वीडियोस आती हैं वगैरह वगैरह, तो मैंने K-drama स्टार्ट किया. कौन सा K-drama? कौन सा देखा सबसे? मेरा फर्स्ट K-drama है द वैम्पायर्स फ्लावर. अच्छा, मतलब छोटी सी सीरीज, उसके 2 ही एपिसोड. तो फिर उसके बाद मतलब बॉयज ओवर फ्लावर्स देखा है? मेरा पहला बॉयज ओवर फ्लावर्स था. अभी कौन सा देखा लास्ट ड्रामा? मैं अभी देख रही थी स्टार्टअप. मैं भी. मैं 3rd एपिसोड पे हूं. मैं आई थिंक मैंने 4 देखा, उसके बाद फिर मैं इधर आ गई, तो मैंने नहीं मतलब छोड़ दिया. तो आई एम सो हैप्पी कि मेरा ऐसे अचानक से मुझे एक आर्मी मिला. मतलब ये खुशी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, एंड आई थिंक तुमको भी एक्सपेक्टेड नहीं रहा होगा. सो हैप्पी टू मीट हर, और आई थिंक कभी फ्यूचर में भी हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह. पाकिस्तान है. दिस इज इंडिया. दिस इज पाकिस्तान. जो लाइट्स दिख रही हैं ये पूरी पहाड़ी, इसके पीछे इज पाकिस्तान.
बाय। चल रही बैठ गई।